हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मुमकिन है कि आपने इन दिनों एक नाम सुना हो, अनामिका शुक्ला। उत्तर प्रदेश के 10 से ज्यादा जिलों में शिक्षा मंत्रालय से लेकर स्कूल थानों तक में इसी अनामिका शुक्ला के नाम से हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि पता चला है कि एक अनामिका शुक्ला के नाम पर फर्जी तरीके से 25 अनामिका शुक्लाएं शिक्षक बनकर वेतन उठाने लगी। एबीपी न्यूज ने जब इस अनामिका करप्शन की पड़ताल शुरू की तब पता चला कि असली अनामिका तो बेरोजगार है, नकली अनामिकाओं ने किया भ्रष्टाचार है। अनामिका शुक्ला नाम की एक महिला अध्यापिका है। अनामिका शुक्ला नाम से जो है वो एक टीचर कार्यरत है। मैडम, मेरी पत्नी का नाम अनामिका शुक्ला है। इस नाम से नौकरी करती है। अनामिका शुक्ला, अनामिका शुक्ला परिवार अनामिका शुक्ला के साथ अनामिका शुक्ला के नाम से यहाँ पर भी है। अनामिका शुक्ला के डॉक्यूमेंट पर नियुक्त हुई शिक्षिकाओं को ओरिजिनल अनामिका शुक्ला है। 25 जिलों से वो वेतन प्राप्त कर रही है। इसकी जानकारी रियल जो अनामिका शुक्ला उनको भी नहीं। मैं ही असली अनामिका शुक्ला हूँ। एक असली अनामिका शुक्ला के नाम पर उत्तर प्रदेश में दावा है। अब तक 25 नकली अनामिका शुक्ला ने शिक्षक बनकर उत्तर प्रदेश में कैसे भ्रष्टाचार को जन्म दिया, जिसे 6 महीने बाद भी पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं खोल पाई। कौन है उत्तर प्रदेश की असली अनामिका शुक्ला, जिनकी जानकारी के बगैर जिनके नाम पर भ्रष्टाचारियों ने पूरे खेल को अंजाम दिया, उन्हें देखिए। हरे रंग की साड़ी, गोद में बच्चा, जिस तरह असली अनामिका शुक्ला की गोद में ये बच्चा सो रहा है, ठीक इसी तरह उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग के पूरे सिस्टम को गोद में सुलाकर 25 नकली अनामिका शुक्ला यूपी के अलग अलग जिलों में शिक्षक बनकर करप्शन की सीढ़ियां चढ़ती रहीं, लाखों रुपए का वेतन डकार गयी। ये सब कैसे हुआ है आज आप जानेंगे। इसलिए मैं अपने समस्त अधिकारियों के साथ में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के सामने प्रस्तुत हुई और अपना पक्ष रखना। गोंडा की असली अनामिका शुक्ला अपनी सभी डिग्री सर्टिफिकेट लेकर जिला शिक्षा अधिकारी को दिखा रही हैं, ताकि असली अनामिका शुक्ला के दस्तावेज के आधार पर नकली अनामिका शुक्ला बनकर उत्तर प्रदेश में हुए फर्जी शिक्षक घोटाले का सच सबको पता चले। डॉक्यूमेंट के साथ आई थी, एक आवेदन भी दिया उन्होंने, एप्लीकेशन भी दिया कि मैं जो है वर्तमान में भी बेरोजगार हूँ और पहले भी बेरोजगार थी। हाँ, ये जो जितनी भी डिग्रियाँ हमारी यूज़ की गई हैं वो कहीं कहीं मेरे उसका दुरुपयोग करके की गई हैं, मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हाँ, वो उनकी शिक्षा दीक्षा गोंडा से ही हुई है, गोंडा की रहने वाली भी हुई है, ये तथ्य पूरी तरह से सत्य है। यानी असली अनामिका शुक्ला आज भी बेरोजगार है, लेकिन आरोप है इन्हीं के नाम पर अपनी अपनी फोटो लगाकर 25 नकली अनामिका शुक्ला शिक्षक बन गई। और उत्तर प्रदेश के अलग अलग कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ाने लगी। 6 विद्यालयों के माध्यम से अनामिका शुक्ला के डॉक्यूमेंट पर नियुक्त हुई शिक्षिकाओं को 12,24,700 रूपए का भुगतान हुआ है। उक्त मामले की अभी तक की जांच की स्थिति आई है। गोंडा की अनामिका शुक्ला की जगह नकली अनामिका बनने वालों में से एक है कासगंज की ये महिला, भूरे सूट में नीले दुपट्टे से मुंह को ढके हुए शिक्षक बनी। इस नकली अनामिका शुक्ला का चेहरा भी देखिए। इन्होंने गोंडा की अनामिका शुक्ला के नाम पर शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों और दलालों के जरिए नौकरी हासिल कर ली। किसने नौकरी लगाई, कितने लाख रुपए में नौकरी लगी और किसके डॉक्यूमेंट पे आप नौकरी कर रही थी? कहाँ की रहने वाली है अनामिका शुक्ला? ये किसने नौकरी लगवाई, कितने लाख रुपए में लगाई थी? अनामिका शुक्ला नाम की इस आरोपी शिक्षिका को जब गिरफ्तार किया गया तो इसने बताया कि इसका नाम अनामिका शुक्ला नहीं बल्कि अनामिका सिंह है। जब और पूछताछ हुई तो इसने अपना नाम प्रिया जाटव बताया, लेकिन अंत में पूछताछ और कड़ी हुई तो इसकी पहचान सुप्रिया जाटव के नाम पे हुई है और इसकी तस्दीक आरोपी के पिता ने भी की है। इसी तरह पता चला कि गोंडा की असली अनामिका शुक्ला के नाम पर प्रयागराज के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में फरुखाबाद की रीना सिंह नकली अनामिका बनकर अप्रैल 2019 से साइंस की टीचर बनी रही। रायबरेली में भी नकली अनामिका शुक्ला के टीचर बनकर वेतन हड़पने का सच एबीपी न्यूज को पता चलता है।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अनामिका शुक्ला पर बछरावा थाने में मुकदमा दर्ज कराकर अपना पल्ला झाड़ लिया है। इस मामले में जिले के कोई भी अधिकारी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा भ्रष्टाचार का खेल इस विभाग में होता रहा है, ये केवल अनामिका शुक्ला एक बानगी मात्र है। हो सकता है ढेर सारे ऐसे अनामिका शुक्ला इस विभाग में और भी मिले। अब समझिए एक अनामिका शुक्ला के नाम पर 25 नकली अनामिका कैसे टीचर बनी। इस खेल का सच खोजने के लिए संवाददाता रणवीर निकले गोंडा में, असली अनामिका शुक्ला के ससुराल पहुंचे। असली अनामिका के ससुर सत्य प्रकाश से पूछा, क्या कभी शिक्षक पद के लिए असली अनामिका ने अप्लाई किया था, क्या कभी नौकरी की थी। जी बहू, 5 जगह से जो फॉर्म डाला था उसने, उसमें 5 जगह में से कहीं ना काउंसलिंग कराया ना कहीं नौकरी कर रही है। KGBB में जो 5 जगह से उसने फॉर्म डाला जो हम 2017 में डाली थी। शिक्षक पद के लिए काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थी को अपने सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी समेत पहचान के दस्तावेज भेजने होते हैं। गोंडा की असली अनामिका शुक्ला ने 5 जिलों में नौकरी के लिए दस्तावेज भेजे थे। ये जिले थे मिर्जापुर, सुल्तानपुर, जौनपुर, बस्ती और लखनऊ। लेकिन उसी दौरान गर्भवती असली अनामिका ने ऑपरेशन से बच्चे को जन्म दिया, लिहाजा असली अनामिका शुक्ला कहीं नौकरी करने के लिए नहीं गई। लेकिन आरोप है असली अनामिका के दस्तावेज पर फर्जी तरीके से 25 अनामिका शिक्षक बन गई। ये खेल ऐसे हुआ है, बाईं तरफ असली अनामिका शुक्ला की मार्कशीट और फोटो, दाईं तरफ देखिए असली अनामिका की मार्कशीट पर फोटो बदलकर नौकरी पाने वाली नकली अनामिका शुक्ला की तस्वीर। तो अब सवाल ये कि उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर नौकरी करने लगी नकली अनामिका शुक्लाओं का खेल कैसे खुला। जवाब मिलता है बागपत के बड़ौत इलाके में, जहाँ एक नंबर की गलती से पूरा फर्जीवाड़ा खुलने लगा। संयोग की बात है कि हमने जब उसका मानदेय भेजा तो उसका अकाउंट नंबर त्रुटिपूर्ण चला गया था। तत्क्रम में बैंक ने पैसा रिवर्ट किया तो हमने उससे कहा कि आप अपने अकाउंट की फोटोकॉपी दे दीजिए, जिससे कि हम सही अकाउंट नंबर में आपका मानदेय प्रेषित कर सकें। तो जो फोटोकॉपी आई उस पर कस्तूरबा के अकाउंट को थोड़ा संदेह हुआ, चूँकि एक कस्तूरबा आ करके कोई भुगतान प्रदर्शित हो रहा था उस फोटोकॉपी में, तो ये हुआ कि उसके भुगतान को रोक दिया जाए। जनवरी में पता चल चुका था ये खेल, लेकिन अब 5 महीने बीत रहे हैं और उत्तर प्रदेश का शिक्षा विभाग अब तक प्रदेश में नकली अनामिका शुक्लाओं के पूरे रैकेट को नहीं खोज पाया है।